नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हो मनीष ढाडोली यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक ऐतिहासिक जगह, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को पीछे एक किला दिख रहा होगा, इसके दो बुर्ज दिख रहे होंगे, इसका नाम है अजबगढ़ का किला और ये किला पड़ता है भानगढ़ और प्रतापगढ़ के बीच में। अजबगढ़ का किला, इस किले को बनवाया गया था राजा अजब सिंह के नाम पर, जो माधव सिंह के पुत्र थे। और यहाँ की कुछ कहानी ऐसी है जो अजबगढ़ गांव है उसके अंदर बताते हैं कि यहाँ पर काला जादू का प्रकोप ज़्यादा था, साया ज़्यादा था, तो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर काला जादू से वार करते थे। और जो गाँव है वो अभी भी कुछ हवेली ऐसे जिनके ताला लगा हुआ है। तो गाँव की ये कहानी है, गाँव के जो स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर काला जादू से एक दूसरे के ऊपर वार करते थे लोग। दोस्तों ये किला राजपूतानों की एक आन बान शान की कहानी कहता है और इसके अंदर हम लोग आज चलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है जिसका नाम है मिडनाइट चेंजर, उस पर हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं भूतिया जगह जहाँ पर भूत वगैरह होते हैं, हॉन्टेड जगह। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में जानते हैं। पहला आप एक बार हम थोड़ा गांव के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, वो पुरानी जगह हैं जो उन पर नज़र डाल देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं किले के ऊपर। राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है अजबगढ़। इस गांव को राजा अजब सिंह ने बसाया था। अजबगढ़ गांव अपने आप में काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। यहां के लोग काले जादू को ऊंचे स्तर पर जानते थे। काले जादू के कारण अजबगढ़ गांव वीरान बन गया था। अजबगढ़ गांव के लोग आपसी झगड़े में एक दूसरे पर काले जादू से वार करने लगे और ये लड़ाई आगे तक चलती गई चलती गई। तो इसके कारण लोगों को गांव को छोड़कर जाना पड़ा। अब हम लोग बात करते हैं अजबगढ़ के किले के बारे में। अजबगढ़ का किला एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो पीछे नीचे गिरा, आप देख सकते हो नीचे जो रास्ता आ रहा है काफी खड़ी, जो चढ़ाई है वो किले के लिए काफ़ी खड़ी है। और इसके यहाँ पर ये थोड़ी मतलब कंकड़, रोड़ी कंकड़ है जो वो और भी ज़्यादा कठिन बना देती है चढ़ने में। काफ़ी मेहनत करने के बाद में हम लोग लगभग किले के पास में पहुँच चुके हैं। किले के बारे में जानने से पहले हम लोग एक बार इस मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मंदिर के बारे में इसलिए बता रहा हूं मैं कि इस मंदिर का इस किले से क्या कनेक्शन है। अभी हमको यहां पर एक बुजुर्ग मिले थे तो हम वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में हमें थोड़ा बताया। इसको जूम करके देखते हैं हम लोग। ये मंदिर दिख रहा है, जो इस मंदिर का इस किले से ये कनेक्शन है कि इस मंदिर के नीचे एक सुरंग है जो इस सीधे इस किले के अंदर आती है। इस किले को राजा अजब सिंह के लिए बनवाया गया था। अजबगढ़ के किले का इतिहास राजपूतानों की आन बान शान की कहानी कहता है।
इसका निर्माण भानगढ़ के किले और प्रतापगढ़ किले के बीच में करवाया गया है। इसे इसके निर्मित कार्बन वाले राजा अजब सिंह के नाम से जाना जाता है। अजब सिंह माधो सिंह के पुत्र थे। किसी समय यह किला राजपूतानों की शान थी, लेकिन आज ये किला वीरान हाल में पड़ा हुआ है। इसकी दीवारें चीख चीख कर अपनी बर्बादी की दास्तां सुनाती है। कभी राजा की शान में इस किले ने अपनी सुंदरता खूब बिखेरी थी। आज इस किले में लोग आने से भी डरते हैं। राजस्थान का यह किला पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित किला है। इसके अंदर पौराणिक गाथाओं का चित्रण बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। इस किले से अजबगढ़ टाउन जो घूमने फिरने के लिए बसाया गया था वो साफ साफ दिखाई देता है। इस किले के अंदर पानी जमा करने के लिए एक बावड़ी बनी हुई है, जिसमें इस समय कचरे पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। इस किले से थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर में किले से सीधी एक सुरंग आती है, जिसको खास रानी के लिए मंदिर में पूजा करने के लिए बनवाया गया था। किले में आज भी ये सुरंग मौजूद है, पर इस सुरंग के अंदर आज चमगादड़ों का बसेरा बन गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हो। मेरी राजस्थान सरकार से विनती है, ऐसी धरोहर को रखरखाव की ज़रूरत है। ऐसी अनमोल धरोहर दोबारा इस दुनिया में नहीं आने वाली है, तो इसीलिए इसका रखरखाव किया जाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए आया हूँ मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री है यहाँ पर आना, देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह, आ सकते हो, वीडियो बना सकते हो। नो रोक टोक, नो झंझट, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ का जो नज़ारा देख रहे हो यार, शानदार नज़ारा, ऐसा मतलब आज की एसी भी फैले इतनी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही ठंडी आ रही है। तो भाई, वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम निकाल कर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर आप कोई और वीडियो देखिए। लव यू, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।